हैं? क्यों रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? एक मिनट, इसको क्यों रो रहे हो? अभी हम पहुंच चुके हैं फतुला बॉस पे। छोटी सी दिक्कत हो गई है भाई, लड़की बीमार हो गई है। सामने देख सकते हो अंकल को अपनी बाइक पसंद आ गई और फोटो खिंचवा रहे हैं यार आंटी के साथ खड़ा करके। अभी आने वाले हैं भाई गोल्ड के पहाड़। बाइक ले जाना मैंने। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हो भाई। ओ ओ ओ, ओ, ओ भाई यार, अब उठानी कैसे है? लगाओ जोर, इस साइड आओ। स्टैंड भाई अपना धोखा दे रहा है। टूट गया ये, टूट गया। हाँ वो देखो यार, शिट, पत्थर लाओ यार। Hey guys, good morning. It's me Sheila and welcome back to on my YouTube channel. तो भाई हम भाई अभी लेके रास्ते में रुके हुए हैं। बेसिकली हम रुके हुए हैं फतुला पास के थोड़ा सा पीछे, जो कि है 5 से 6 किलोमीटर पीछे। तो हमारा जो नाइट का स्टे था वो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। छोटी सी दिक्कत हो गई है भाई, लड़की बीमार हो गई है, जुकाम हो गया यार इसको, कोल्ड हो गया। वैसे सारी मेडिसिन हमारे पास पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको थोड़ी सी मेडिसिन दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, नहीं तो आगे के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो एरिया है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है। मतलब इस टाइम पे इतनी ख़तरनाक धूप पड़ रही है ना, और जैसे ही थोड़ा सा मतलब शाम वाला माहौल होता है या सुबह वाला माहौल होता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। अभी 10 बज रहे हैं और जो मौसम है मतलब थोड़ी सी ऐसी चुभन सी हो रही है, मेरे को हो रही है, बट इसे ना ठंड लग रही है। ये बोल रही है कि मेरे को ठंड लग रही है। जैसे एक बार व्यू दिखाता हूँ, चेक करो व्यू भाई, ये देखो वो सामने देखो, आपको स्नो पड़ी हुई है। तो भाई ये वो दीदी हैं जिनके घर में हम रुके हुए हैं, होम स्टे लिया हुआ हमने। तो गाइस चलते चलते गोप्रो बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, सडनली बता दिया कि बैटरी लो है, बट बैटरी स्टिल अभी 50%। कुछ नहीं बोलना, बस ले पहुंचना है, बस ले पहुंचना है, कुछ बोलना नहीं है, ले पहुंचना है। इसको बहुत शौक था ले जाना, मैंने भी जाना, मैंने भी जाना, मैंने भी जाना, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया क्यों ना यार अब लेके चलते ही, देख लेते हैं जो होता जुले। ये देखो ब्रेकफास्ट में हमारे ओट्स चल रहे हैं और यहाँ पे बनेगी चाय। और एक रीज़न मैं बताता हूँ गाइज आपको, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट मैं अगर अपने ओपिनियन से बोलूँ तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूँगा कि हम लोग पहाड़ों में आते हैं और पहाड़ों में आने के बाद क्या होता है कि हम ज़्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो मैगी को दे, तो मैगी का क्या होता है कि आपका वेट गेन करेगी, आपको इंटरनली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसी के चक्कर देखने के बाद, पूरा ऑब्जर्व करने के बाद भाई हमने लाए हैं ओट्स, ठीक है, ये मसाला ओट्स हैं। हम कम से कम भी यहाँ पे 30 से 35 पैकेट लेके आए हुए हैं और 10 दिन का ये ट्रिप है, तो हम पूरा यही खाएंगे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैगी खाने से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं, बस इतना समझ लो। राइडर है, बस घूम रहे हैं, बाइक स्टार्ट की, स्मार्ट मदर चल पड़े। कुछ तो ऐसे छपरी भी होते हैं जो निकलते हैं रे राइड पे आगे पीछे घूम घाम के आ जाते हैं। एक्चुअल में ले करना भाई मजाक नहीं है। तो गाइज अभी टाइम है यहाँ से बाय बाय बोलने का, और भाई भाई आपका फुल पावर रेडी हो, पीछे गाड़ियाँ भी सारी रेडी हैं, मेरी गाड़ी यहाँ रेडी है, एक ये रही एक वो रही। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। भाई एक चीज़ और बता दूँ, कल भाई अपना ना 360 वाला जो स्टिक होती है भाई, वो रह गई होटल में जहाँ पे हमने पहला स्टे लिया था, वहीं पे रह गई, वो अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई टाइम हो चुका है 11:43, और भाई अभी हम निकल रहे हैं इस टाइम पर, गाड़ी मैंने अपनी वार्म अप कर ली थी पहले। तो गाइज अभी हम होटल से निकल चुके हैं और भाई अभी हम जा रहे हैं आगे ले के लिए। तो ले यहाँ से है भाई 130 किलोमीटर, और भाई यहाँ से एक पास आता है आगे फतुला पास, तो फतुला पास यहाँ से है 5 किलोमीटर, हम उस पास
पे अभी रुकेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट रुकेंगे, पिक्चर वगैरह खिंचवाएंगे और फिर आगे के लिए निकल जाएंगे। ऐसे ही गाइस रास्ते में जो भी चीजें हमें मिलती जाएंगी अच्छी अच्छी तो वह हम वहाँ पे रुक के एक्सप्लोर करेंगे और भाई फिर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं एक और बात बता देता हूँ कि भाई रात को अगर आप तो भाई ले लद्दाख के पूरे मजे लेना चाहते हो ना, आपको अच्छे से इंजॉय करना है, अच्छे से हर चीज देखनी है, तो भाई साहब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आप कभी भी नाइट में गाड़ी मत चलाओ। जैसे अब अगर आप बाइक पे हो या आप गाड़ी में हो, तो अगर आप नाइट आपको 8 बजे के बाद हो जाता है तो आप ना बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाओ। रीजन ये है कि भाई रात में ये ब्यूटी नहीं दिखेगी आपको, और जब ये ब्यूटी नहीं दिखेगी तो भाई आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मेरे साथ भी सेम हुआ कि मैंने गाड़ी चलाई और भाई मॉर्निंग में अभी जब ये व्यूज देख रहा हूँ ना मैं, तो एक अलग ही फील आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यू या कोई भी ऐसा मोड नहीं है जहाँ पे आपको मन नहीं करेगा कि यार आप इस व्यू को अपने कैमरा में कैप्चर ना करो, तो भाई यहाँ पे आपको हर एक चीज़ कैप्चर करने का मन करेगा। बेसिकली यार इस तरह से ट्रिप करना, लद्दाख करना या कोई और जैसे स्पीति वगैरह ये हो गया, जो जहाँ पे हाई मतलब पासिस वगैरह हैं वो करना, तो वो आपके लिए एक मेमोरेबल चीज़ बन जाती हैं, तो वो मेमोरेबल चीज़ को आप कभी गंवाना नहीं चाहोगे। मैं तो यही सोचता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मैं कभी भी वो चीज़ें ना गवाऊँ। तो इसे बेटर यही है कि जो हम देख रहे हैं वो हम अपने पास सेव करके रख लें, ताकि हमें फ्यूचर में भी भाई वो सारी चीज़ें देखने का मज़ा आए। अभी हम पहुँच चुके हैं फतुला बॉस पे और यहाँ पे भाई खड़ी करेंगे अपनी बाइक और एक खिंचवाएंगे पिक्चर, देन उसके बाद दोबारा निकल जाएंगे आगे के लिए। फोटो काटूंगा। हाँ हाँ श्योर। सामने देख सकते हो अंकल को अपनी बाइक पसंद आ गई और फोटो खिंचवा रहे हैं यार आंटी को साथ खड़ा करके। अभी आपको बताते हैं कि हम हैं फतुला पास में। कसम से यार सच में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा तो मतलब ऑक्सीजन का है। फतुला पास हाइट 13,479 फीट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन दी श्रीनगर ले रोड। थैंक यू। या इट्स ओके थैंक यू। तो गाइज ये है फतुला टॉप और हाइट मैंने आपको बताई थी, फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, 13,479 फीट की ये हाइट है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है ऑन दी श्रीनगर ले हाईवे रोड पे। तो भाई मैं तभी जहाँ भी रुकता हूँ मैं 10 मिनट से ऊपर नहीं लगाता, बट यहाँ पे ना फोटोशूट कम नहीं होता, फोटोशूट चलता ही रहता है। तो भाई टॉप से नीचे आते ही ना इतनी तेज विंड चल रही है, फतुला टॉप के बाद भाई एकदम से डाउन हिल है, दिक्कत होती है यार थोड़ी सी, क्योंकि पीछे वाला पिलियन ना आगे खिसकता रहता बार बार। तो गाइज अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक खूब सूरत सा विलेज, देखो कितना प्यारा विलेज लग रहा है यार। अब इसके पास जाएंगे तो ये क्या लगाया हुआ भाई, ये क्या है? ये देखो भाई यॉक का होता है ये, बनाया हुआ है बट जो ऊपर की चमड़ी है वो ओरिजिनल है। पूरे लद्दाख में ना आपको ये पेड़ ना पता कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे एक छोटी सी विलेज होगा या आसपास घर होंगे वहीं पे आपको पेड़ मिलेंगे, वहीं पे ये लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, अदरवाइज आपको कहीं भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आने वाले हैं भाई गोल्ड के पहाड़ दिखाएंगे आपको, पूरा गोल्डन कलर का फील आता है। सामने चीज है ना अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही है यार, ये एक अलग ही फील आ रहा है इसको देख के। देखो ये पर्पल पहाड़, इधर गोल्ड इधर पर्पल, और क्या चाहिए। भाई अभी जो पहाड़ों के बीच में से निकल के आया ना यार, उसमें तो ऐसा हो रहा था कि यार सुस्ती पड़ रही थी कसम से, बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। 20-30 की स्पीड में बाइक चलाई है और अभी देखो भाई एकदम सीधा रोड है, मतलब कि हवा चेंज हो गई है यार, जब हवा चेंज हुई है ना तो इस टाइम पे गाड़ी जा रही है भाई 70-80 और मज़ा भी आ रहा है बाइक चलाने का। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार जैसे पता नहीं कितनी नींद चढ़ी और कितनी सुस्ती है। हम जो है ना हमें तो जाने देंगे ले, 97 किलोमीटर रह गया भाई। वहाँ पे नहीं नहीं ओके ओके भाई मैं ऐसे ही निकलता जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे ना आगे ले के लिए एंटर होने के लिए भाई ये बोर्ड एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी आप एंटर करोगे उससे पहले आपको ना एंट्री करवानी पड़ती है। मैं तो निकल ही रहा था, ये पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे लद्दाख की, तो यहाँ पे जाओ पहले एंट्री करवाओ देन उसके बाद आगे जाओ। मेरा लिख लीजिए मैम, बाइक ले जाना मैंने। हाँ जी, अब जो रोड आने वाली है ना भाई वो सीधी सीधी रोड आएगी और फिर बाइक खींचने का मज़ा आएगा, क्योंकि माउंटेन एरिया जो है वो ख़त्म हो चुका है,
मतलब ख़त्म नहीं हो चुका, माउंटेन के बीच का जो रास्ता था वो ख़त्म हो गया है। तो गाइज अभी लंच का टाइम हो चुका है और हमने ये लोकेशन फाइनल की है भाई। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे अपना चूल्हा वगैरह निकालेंगे। पहले तो टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सोचना साचना नहीं है इतना, फटाफट जो भी करना है एक्शन करना है, क्विक एक्शन, खाना बना के खा के निकल जाएंगे भाई। तो गाइज आज का जो अपना लंच का सेटअप है ना, मैंने बताया था ना कि आप खुद बना रहे हैं, और भाई लंच का सेटअप देखो, नाइफ पकड़ लिया आपके भाई ने, लोकेशन देखो भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ लोकेशन के पैसे हैं और कुछ नहीं है। तो गाइज अभी ना गोभी और चावल बन के रेडी हो चुके हैं, चेक करो। अभी अपना लंच वगैरह कर लिया हमने, गोभी चावल बनाए थे वो खा लिए अच्छे से पेट भर के। भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, बाकी बंदों से भाई मैं निकल चुका हूँ, वो अलग आ रहे हैं मैं अलग आ रहा हूँ। अभी हमारा जो पॉइंट है भाई वो मैग्नेटिक हिल है। तो गाइज एक्चुअल में ना हमें खाना खाते खाते यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी जो टाइम हो रहा है भाई 4:30 हो रहे हैं शाम के। मेरा मोटिव ये है कि यार मैं जो चीज़ें मेरे को देखनी है, जैसे कि जो मैग्नेटिक हिल है वो देखना है, और जब अगर मैं उसको दिन में नहीं देख पाऊँगा तो यार वो मेरे लिए ना वर्थ इट नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अभी यहाँ से रह गया भाई 80 किलोमीटर जस्ट, उससे पहले नो एनी ब्रेक। चलो भाई सीधा अब मिलेंगे मैग्नेटिक हिल के पास, वहाँ बनाते हैं अच्छे अच्छे शॉट्स और देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या मैग्नेटिक हिल। अभी जो रास्ते आ रहे हैं ना, इन रास्तों को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई नो मैच वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार, कोई मैच ही नहीं है यार इन चीज़ों का। चेक करो भाई एक बार आगे पीछे, मतलब कि माउंटेन है और सेंटर में बिल्कुल रास्ता जा रहा है, और आगे यहाँ पे वो गाड़ी जा रही है ना भाई, वहाँ से देखना ऐसा लगता है कि जैसे आगे रास्ता है ही नहीं है। तो भाई अभी हमने 360 लगा दिया, और भाई व्यू देखो यार कितना प्यारा, मतलब यहाँ पे जितने भी बाइकर निकल के जा रहे हैं ना सब तो एक बार रुक ही रहे हैं यार। तो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई मैग्नेटिक हिल के पास, यहाँ पे देख सकते हो भाई। ओ ओ ओ भाई यार अब उठानी कैसे है, लगाओ जोर इस साइड हो। स्टैंड भाई अपना धोखा दे रहा है, टूट गया ये, टूट गया हाँ वो देखो यार, शिट पत्थर लाओ यार। भाई ये मेरे साथ ना हर ट्रिप पे होने लगा कि मेरा जो लीवर गार्ड है ना वो टूटने लगे हैं। खैर एनीवेज गाइस, मैं आपको बता रहा था कि यार हम मैग्नेटिक हिल के पास पहुंच चुके हैं, और जो इसका अल्टीट्यूड है वो है भाई 11,123 फीट। तो भाई यहाँ पे अब हम टेस्ट करेंगे कि सच में ये मैग्नेटिक हिल है या नहीं है। मैग्नेटिक हिल का मतलब है जो वो सामने वाला पहाड़ है ना भाई, कहते हैं कि वो अपने आप गाड़ी को खींचता है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हम तो गए नहीं आगे, हम जस्ट अभी यहीं पे रुके हुए हैं। तो भाई मैग्नेटिक हिल का हम चेक कर रहे हैं, देखते हैं चलती भी है गाड़ी या नहीं चलती। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को कि गाड़ी अपने आप चल रही है, ये देखो। नहीं भाई ये देखो रियलिटी आपके भाई ने चेक कर लिया, कुछ ऐसा नहीं होता भाई, ये सिर्फ ऐसे ही कहने वाली बात है कि मैग्नेटिक हिल कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं ये देखो छोड़ूंगा ना, नहीं चल रही बाइक, चल ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं चल रही। यहाँ से मान सकता हूँ भाई यहाँ से जा रही है, क्योंकि यहाँ से उतराई है, तो सभी कहते हैं ना कि मैग्नेटिक हिल है तो अपने आप गाड़ी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चली। बाकी आप आओगे तो खुद से टेस्ट कर लेना, यही रियलिटी थी जो मैंने आपको बता दी है। हैं क्यों रो रहे हो, रो क्यों रहे हो, एक मिनट इसको क्यों रो रहे हो। तो भाई ये लड़की ना रोना स्टार्ट कर रही है, देखो अभी रो रही थी थोड़ी देर पहले, देखो क्या क्यों हुआ, क्या हुआ पहले बताओ क्या हुआ। चलें वापस, चलें वापस, चलें वापस चलते हैं, एक मिनट इसको खोलो ना पहले, वापस चलते हैं। एक हिल जैसा तो कुछ नहीं दिखा भाई, लेकिन ये है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज विंड ब्लास्ट है, गाड़ी आगे की जाने की बजाय ना पीछे के लिए झटका खाती है, बहुत तेज़ विंड है भाई।
अभी हम पहुंचे हैं ले से 25 किलोमीटर पीछे पत्थर साहब। ये पत्थर साहब गुरुद्वारा है भाई, देखो पत्थर साहब गुरुद्वारा कितनी हाइट पे है ना। ले 25 किलोमीटर देखा, तो भाई एटीएम से कैश निकलवा लिया थोड़ा ताकि आगे जरूरत पड़ेगी तो भाई यूज कर लेंगे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे ले सिटी के अंदर। तो भाई ले सिटी के अंदर हमें एक चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जितना टाइम हमें यहाँ पे पहुंचने में लगा उससे ज्यादा दिक्कत हमें हो रही थी भाई यहाँ पे रूम ढूंढने के लिए। तो हमने भाई जितना मुश्किल हमें यहाँ पहुंचने में लगा ना उससे ज्यादा मुश्किल हमें यहाँ पे भाई रूम ढूंढने में हो रहा है। हमें स्टे करना पड़ा आर्मी के अंदर, आर्मी के जो क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे अंदर, वहाँ पे स्टे किया। और अभी से भाई मैं तभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, इसके आगे की वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि आर्मी के अंदर कैमरा अलाउड नहीं हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में।